Hello everyone, this is your host Labo Fessel. Welcome back to my YouTube channel. वैसे अभी मैं दमी दमी पिटी चुकी हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं नीचे जाके देखती हूँ कि मामा क्या कर रही है, फिर हमने नाश्ता भी तो करना है ना। ला 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 ला। Good morning, मामी। आराम से बोलो, तोबा मेरा तरह निकाल दिया है तुमने खड़े खड़े तो। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि मामा ने मेरे मुंह के ऊपर छिक के पोला मारा है, लेकिन वो तो रोज ही होती है, कौन सी नई बात है। तू चुप कर, चुई दी मुंह आनी तुम बकवास बनोगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मानो का हेयर ट्रेलर करवाने, क्योंकि इसके बाल बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं, जैसे घोड़े की पूछे की तरह हो गए, तो उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराएंगे और उसका कलर भी चेंज करवाएंगे। चलो जी, एक तो आ गई उसकी इतनी अजीब सी वेतन, ऊपर से तुम उसका कलर कराने जा रही हो। यार मामा मुझे रोज सुनाना करे, क्या हो गया आपको। वो कहते हैं एक मुनो को जूतो सुती उठी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यार ध्यान रखना ज्यादा ना, सिकोजी कर देना। देखा वो आगे भी इतनी ज्यादा प्यारी नहीं है तुम बहनों में से। आप रहने दे मामा, मैं खुद ही कर लूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं और आती हूँ। Three hours later. तो गाइस हम सैलून में पहुंच चुके थे और हमारा ट्रीटमेंट्स वगैरह हो चुके हैं, हमने सर्विसेज वगैरह ले ली हैं और मानो का भी डाय लग चुका है। ये देखें आप लोग, कैसा लग रहा हूँ मैं बता दो। पता कैसी लग रही, जैसे युगांडा की बांदरी होती है। थैंक यू। पर सच बताऊं पता तो नहीं चल रहा, बिल्कुल भी तू चेंजेस नहीं आया तुम्हारे अंदर, तो ऐसी की वैसी मनुष्य लग रही हो। यार ऐसे तो ना बोलो, क्या हो, कितना अच्छा तो लग रहा हूँ मैं। गाइस मैंने भी अपनी सर्विसेज करा लिया, मैंने तेजाब के साथ अपना मैनिक्योर पेडिक्योर कराया क्योंकि बहुत ज्यादा मलजम हो चुकी थी। फिर भी फर्क नहीं पड़ा तुम्हें। यू शट अप लाल बेग के मुंह वाली। A few moments later. तो गाइस अभी मेरे एक दिमाग में बहुत ही ज्यादा धासु सा आइडिया आया है कि क्यों ना हम अपने बेटे सुबह लें, दोनों यहाँ से आई पीएस करवा लें, यहाँ से देखना। यार तुम्हारी दूर दूर हो जाएगी मामा, ज्यादा दूर दूर कर देंगी। आगे भी तो होती रहती हूँ, तो एक दफा हो जाएगी तो क्या है, पर कंटेंट तो आ जाएगा ना। ओके तो गाइस अभी हम आपको पीएस करवा के मिलते हैं। 20 minutes later. तो गाइस हमने ये चिपका लिया अपने बरबेटों पे, तो आई होप कि हम मजीद मनहूस लग रहे होंगे जैसे कि आपको हमने पहले बता दिया था। तो मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम तो ऐसी लग रहे हो जैसे किसी पुरानी दीवार के अंदर कील ठोका हुआ होता है। किसी पुरानी दीवार के अंदर कील ठोका हुआ होता है। चलो चलो घर चले, बकवास बंद करो। One hour later. We are home, finally. तो हम घर आ गए, तो अभी मामा के पास जाते हैं, मामा से पूछते हैं। भाई मेरे अल्लाह, ये क्या करा के आ गई हो तुम दोनों बहने, अल्लाह इतनी मनहूस लग रही हो। यार मामा आई पीएसिंग करवाई, इसकी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड्स है। इतनी बुरी लग रही हो ना, कसम से बता नहीं मैं सकती। और मैं कैसी लग रही हूँ? तुम तो बेटा आगे बहुत ज्यादा बुरी थी, तो मजीद ही फिर सोने पे सुहागा हो गया। यार मासने लग रही हो तुम दोनों, मैं तो नहा के अभी निकलूं तो मेरा तुमने त्राय निकाल दिया। यार बट आजकल ये फैशन है, तुम लोगों को क्या हो गया, कैसे तुम लोग बकरी जैसे मुंह उठा के मेरे पीछे शुरू हो गए। सारे फैशन फॉलो तो ही करने होते हैं, जो बंदे को अच्छा लगता है बंदे को वही करना चाहिए ना। मामा इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तुम तो मेरा बेटा कभी भी ब्यूटीफुल नहीं थी ना, तुम होगी। अच्छा मैं यही है, आप बता। दोनों एक नहीं दोनों। फिर आप जरा बाहर आना, देखना ये क्या करके आएंगे दोनों। माय गॉड यार, ये क्या करके आ गए तुम दोनों। यार आई पीएसिंग करवाइए, क्या हो गया दस दिन आना ते फेटे मुंह। अभी जाओ इसे खत्म करा के आओ, देखो ना इतनी बुरी लग रही हो। यार मेरी माना तो फॉरन इनको निकाल दो, जब फॉरन निकल जाता तो ये बंद हो जाएगा, वैसे देखो ना नहीं अच्छा लग रहा। हाँ सही तो कह रही है वो। नो 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 नो, इस रक्षे के मुंह वाले को देखो ना कितना बड़बड़ कर रही है। यार प्रैंक क्या क्या हो गया, मैंने कुल लमकाई हुई है, कुछ नहीं हुआ। ये लो प्रैंक था। चलो जी चलो जी, अच्छा हुआ वैसे ये प्रैंक था, अगर साथ होता ना मैं तुम दोनों बहनों के मुंह तोड़ देने थे, वो तुम लोग ज्यादा बेहतर लगती मुंह के बगैर। यार ऐसे फजूल और घटिया प्रैंक्स करने के आइडियाज तुम्हारे पास आते कहां से हैं? जैसे तुमने हॉरर प्रैंक किया था वैसे ही मैंने ये प्रैंक कर दिया। मैं जा रही हूं, कसम से बहुत ज्यादा बदतमीज हो तुम दोनों ना। यू शट अप काम वाली, मैं जा रही हूँ। तमीज तो तुम लोगों ने सीखी ही नहीं है ना कभी, क्योंकि तमीज हमें अपने माँ बाप ने सिखाई ही नहीं है, सिर्फ टिकटॉक से बनाना सिखाई है। तो गाइस आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इनके साथ प्रैंक करके। अगर आप ऐसे प्रैंक्स चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, लेकिन मैं करूंगी अपनी मर्जी। तो गाइस जस्ट वांट टू से आई होप यू लाइक द ब्लॉग टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।